हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड साइमल्टेनियसली ए वेज स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट एज शोन इन द फिगर. द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेज फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द वेज इज. देखिए, ये डायग्राम हम लोग को अच्छे से समझना है पहले कि यहाँ पर एक पार्टिकल है. देखिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसको कुछ 53 डिग्री का एंगल बना करके 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया, ठीक है. और इस वेज का जो एंगल है वो भी 53 डिग्री है. दैट मीन्स कि ये कुछ पैरेलल जाएगा वेज का, जो हाइपोटेनस होगा उसका पैरेलल जाना चाहेगा. बट यहाँ पर एक और चीज़ है दैट कि ये जो वेज है रुका हुआ नहीं है, ये वेज आगे बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से. पूछा जा रहा है ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये जो वेज का जो हाइट है ये कितना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, दैट कि ये बिना हिट किए इसको क्रॉस कर जाए. ये जो पार्टिकल है उसको बिना हिट किए ये क्रॉस कर जाएगा. तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बटेगा, एक तो इस तरफ, ठीक है, और एक इस तरफ. समझ रहे बात? तो ये वाला जो डायरेक्शन है मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन है, और ऊपर वाला डायरेक्शन हमने मान लिया कि वाई है. तो ये जो पार्टिकल है इसका दो वेलोसिटी होगा, एक तो यू अलॉन्ग एक्स हो जाएगा और एक यू अलॉन्ग वाई हो जाएगा. तो यू अलॉन्ग एक्स अगर आपको निकालना है तो 10 cos 53 कर देंगे आप, है ना. और अगर आपको यू अलॉन्ग वाई निकालना है तो 10 का कंपोनेंट उधर साइन में जाएगा, तो 10 sin 53 कर देंगे आप. समझ गए? तो देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है दैट sin 37 डिग्री का जो ट्राइंगल बनता है, 37 होता है, ये होता है 53 और ये होता है 90. तो ये कुछ इस तरह से 3 4 5 ऐसे रहता है. अब इसमें से आपको निकालना है cos 53, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है. सो ये आपका हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 मीटर पर सेकेंड एक्स में वेलोसिटी है. उसके बाद अगर इसका देखेंगे तो 10 × 4/5 मतलब 8. ओके, तो ये आपको एक्स और वाई में जो वेलोसिटीज होगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड का कॉम्पोनेंट जो आएगा एक्स और वाई में, वो हम लोगों ने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया है. दैट मीन्स कि जो पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, एक्स में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से. और जो वेज है वो आपका इसी लाइन में है, आगे बढ़ रहा है ना. वेज कुछ इस तरह से यहाँ पर था, ये वेज था यहाँ पे ऐसे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे थे ये 1 मीटर का था. ओके, तो अगर मान लीजिए कि वेज रुका रहता, जब वेज अगर रुका रहता तो इस पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचना पड़ता, तभी तो ये क्रॉस करेगा. एक्स में तो एटलीस्ट इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता. तो ये पार्टिकल जो है डिस्टेंस एक्स में कितना कवर करता, डिस्टेंस अलोंग एक्स कितना डिस्टेंस कवर करता ये. तो ये करता एक तो 1 मीटर जाता पहले, प्लस ये जो बेस होगा वेज का यहाँ से यहाँ तक, ये भी इसको जाना पड़ता क्योंकि इसको क्रॉस करना है वेज को. तो इसका बेस कितना हो जाएगा, सपोज ये 53 डिग्री है यहाँ दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये एक्स है या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं. तो ये बेस जो है वो हो जाएगा x cos 53, ठीक है. x cos 53 का मतलब हो गया आपका 3x/5. सो 3x/5 मीटर आगे जाता पार्टिकल, ठीक है, ये अगर वेज रुका रहता तब. लेकिन ये वेज रुका हुआ नहीं है, वेज आगे भी बढ़ रहा है. तो मान लीजिए कि वेज जो है ना वो कुछ आगे बढ़ गया है, यहाँ पहुँच गया है, ठीक है. दैट मीन्स कि 1 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ गया है. तो अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ गया है, तो मान लीजिए आफ्टर टाइम टी लिख रहे हैं हम लोग, आफ्टर टाइम टी, तो ये वेज जितना आगे बढ़ा है वो भी तो पार्टिकल को कवर करना पड़ेगा ना. तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 1 × t. तो एक डिस्टेंस तो वेज के चलने की वजह से आगे बढ़ रहा है, दूसरा तो वेज का बेस है, और तीसरा 1 मीटर डिस्टेंस पहले से था. तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ना पार्टिकल को एक्स में कवर करना ही पड़ेगा. और कितने स्पीड से कवर करेगा ये टोटल डिस्टेंस को, ये स्पीड 6, और कितने टाइम में, टी टाइम में. सो 6 × t, इस तरह से ये इक्वेशन आपको 1 बनाना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3x/5, 1 + 3x/5 और इक्वल टू, सॉरी, प्लस टी इक्वल टू 60. ये एक इक्वेशन 1 आपका एक्स से बन गया है. अब हम लोग वाई भी देखते हैं, क्योंकि आपको केवल एक्स में नहीं जाना है, आपको वाई में भी जाना, तभी आप इस पॉइंट को क्रॉस करके निकल पाएंगे.
तो देखिए आपको वाई में कितना ऊपर जाना है, देखिए आपका वाई का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टी तक ही आपको जाना है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस अलोंग, अगर हम लोग डिस्टेंस अलोंग वाई देखते हैं, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस आफ्टर टाइम टी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज वाई में एक्सेलरेशन भी है ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना डिस्टेंस वाई में हमें ऊपर जाना है, हमें जाना है एक्स साइन 53, ये डिस्टेंस हमें ऊपर जाना है वाई में, जो कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, इसलिए एक्स साइन 53 ऊपर जाना है। ऊपर का वेलोसिटी कितना है, 8, टाइम है टी, माइनस होगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन भी आ गया है, समझ गए आप। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन जो है मिल चुका है, ये हो जाएगा आपका 4x/5 इक्वल टू 8t-half gt2, ठीक है, -half gt2, ये इक्वेशन टू बना दीजिए आप। अब देखिए इक्वेशन वन टू तो मिल चुका है, एक्चुअल में हमें हाइट चाहिए, मतलब एक्स निकाले बिना काम हमारा होगा नहीं, तो हम ये इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग टी निकाल लेंगे, और फिर टी को इक्वेशन वन में पुट करके एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा रहेगा सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू, सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। तो वन और टू को सॉल्व करना है अगर, तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं दैट कि इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 6 × 4, 24t इक्वल टू 4 + 12x/5 +4t, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका 8 × 3, 24t इक्वल टू 5 × 3, 15t² +12x/5। ये हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, आप उसको एक स्टेप बढ़ा करके कर सकते हैं अरेंज। ये अरेंज मैंने इसलिए किया ताकि आराम से कैंसिल करने में इजी हो। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 = 4 − 15t² + 4t, ये आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है टी में। तो अब टी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप इसको ऐसे लिखिए 15t² − 4t − 4 = 0। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला -b + √√b² − 4ac/2a। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी कितना है, माइनस बी है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 + √√b² 16, और माइनस माइनस प्लस 15 × 4 = 60, 60 × 240, 240 हो जाएगा इधर 4ac/2a। तो ये आपका आ जाएगा 4 + √256/30, ये 256 16 का होता है, इसलिए 4 + 16/30, 4 − 16 नहीं ले रहे बिकॉज वो टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 20/30, आप इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ये इस इक्वेशन से हमें, इस फॉर्मूला से हमें टी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, टी इक्वल टू 2/3 सेकेंड हमें टाइम मिल चुका है, हमें एक्स चाहिए था, तो इसको इक्वेशन वन में आप पुट कर दीजिए। तो टी को पुट करते इक्वेशन वन में, तो 1 + 3x/5 + 2/3 इक्वल टू 6 × 2, 12/3, बस इस इक्वेशन में हमें टी पुट करना था, कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 1 3 + 2, 5/3 + 3x/5 इक्वल टू 4, यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x/5 इक्वल टू 4 − 5/3, 4 × 3 = 12, 7/3 35/9। तो x यहाँ से आ रहा है आपका 35/9 मीटर, ठीक है, x आ गया। अब हमें हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट मैंने कि ये परपेंडिकुलर जो कितना है x साइन 53, एक्स कितना आया हमारा, एक्स आया 35/9, 35/9 इंटू साइन 53 आपका हो जाएगा 4/5, सो 5 × 7, 7 × 4 = 28,
28/9 मीटर मैक्सिमम हाइट होना चाहिए वेज का। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।